हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन सी नितिन गुप्ता क्लासेस। लेट्स स्टार्ट। तो हम पिछली क्लास में कर रहे थे बैंक ए बैंक बी से रिलेटेड कोड्स आपको दे रखे हैं और आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ठीक है, मैंने लिखा बैंक ए बैंक बी, बैंक ए बैंक बी स्पॉट 3 मंथ्स, तो 3 महीने का स्वैप पॉइंट दे रखे 5 to 10। तो अगर 5 to 10 बढ़ रहा है एड करेंगे एड, तो अगर इसमें 5 ऐड कर दूं तो 1.4655 और 10 ऐड कर दूं तो 1.4665। ठीक है जी, बैंक बी आपको गिवन नहीं है, बैंक ए 25 से 20 घट रहा है तो माइनस करेंगे, इसमें से 25 माइनस कर दूं 1.7620 और इसमें से 20 माइनस कर दूं 40। बैंक बी आपको गिवन नहीं है। नाउ हाउ मच मिनिमम CHF यू हैव टू पे फॉर 1 मिलियन GBP स्पॉट, आज स्पॉट मतलब आज, तो फॉर 1 मिलियन GBP, तो मुझे 1 मिलियन GBP चाहिए तो मेरे को CHF कितना देना पड़ेगा। सो आई वॉन्ट टू बाय GBP, so bank has to sell GBP, तो sell मतलब ask rate, तो आपको ask rate चाहिएगा, बहुत सिंपल है, तो बहुत सिंपल है। ओके अच्छा, यहां पे जो कमोडिटी है वो GBP है और जो प्राइस है वो CHF है, तो मुझे चाहिए ask rate CHF पर GBP, ये चाहिए मुझे। अब यहां पे थोड़ा सा जरा ध्यान रखो, आप ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आ सकते हैं, आपको पेपर में गिवन है GBP पर USD, लेकिन ये जो रेट है ये रेट GBP पर USD का नहीं है, ये रेट है USD पर GBP, जरा ध्यान रखो। क्यों? क्योंकि अगर इंडियन करेंसी के हिसाब से भी आप देखो तो पाउंड, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड महंगा है और डॉलर थोड़ा सस्ता है, तो एक पाउंड में ज्यादा डॉलर्स आ जाते हैं, तो एक पाउंड में 1.7645 डॉलर आ जाएंगे, तो एक पाउंड में ज्यादा डॉलर्स आ सकते हैं, तो ये जो फिगर्स दे रखी हैं ये डॉलर पर पाउंड दे रखी है, ना कि पाउंड पर डॉलर, ध्यान रखो। तो वो लिख पेपर में ऐसे देता है और जब वो रेट देता है तो उसके हिसाब से थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ता है कि वो उल्टा तो नहीं है, तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, और वो जनरली पाउंड और डॉलर के हिसाब से पता चल जाएगा। और अगर एक केस में वो उल्टा है तो इस केस में भी उल्टा है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये है CHF पर USD, ये ऐसे है, ना कि USD पर CHF, तो जरा ध्यान देने वाली बात है। तो आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस चीज पे भी हम फोकस रखेंगे, ध्यान रखना। वल्ले, तो मेरे को चाहिए आस्क CHF पर GBP, तो दैट्स आस्क CHF USD, आस्क USD GBP, तो बिल्कुल सही बात है, तो CHF और USD दे रखा है, USD और GBP दे रखा है, वल्ले सिंपल। एक चीज और, मिनिमम CHF, तो मिनिमम से मिनिमम, अब मैं बैंक ए से डील करूं या बैंक बी से डील करूं ताकि 1 मिलियन GBP के लिए मुझे कम से कम CHF देना पड़े, सिंपल, तो वो देखेंगे कहां पे मिनिमम रेट होगी, तो आस्क रेट देखनी है सबसे पहले CHF पर USD, तो एक एरी जो भी कम होगी, तो दिस, तो बैंक ए से हम डील करने वाले हैं, तो 1.4655 USD पर GBP 6050, तो हम बैंक बी से डील करने वाले हैं, नो अबाउट दैट, तो 1.4655 इंटू 1.7650, नो दैट वुड बी 2.5
5866075। आप इसको 2.5866 तक लिख सकते हो, यहां तक लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पूरा लिख दिया वो भी सही है। आप इसको 0.5866 तक लिख के करोगे वो भी सही है। सो मिनिमम CHF फॉर 1 million GBP, तो 1 GBP is 2.586605 CHF, तो 1 million मतलब 10 लाख, तो 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दूं तो 25,86,607.50 रुपए CHF। तो इतना CHF आपको मिनिमम पे करना पड़ेगा टू ऑप्टेन 1 million GBP। पहला पार्ट तो हो गया। नाउ कंसीडरिंग द कोट्स फ्रॉम बैंक ए ओनली, तो बैंक बी को भूल जाओ जरा आप। कंसीडरिंग द कोट्स फ्रॉम बैंक ए ओनली फॉर GBP पर CHF, तो वही सब कुछ उल्टा उल्टा चल रहा है, तो यहां पे भी सब उल्टा उल्टा हो गया, तो दैट वुड बी CHF पर GBP। ओके, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो उल्टा ही सोचना है, फिर ध्यान रखना। तो व्हाट आर द इंप्लाइड स्वैप पॉइंट फॉर स्पॉट ओवर 3 मंथ, तो स्पॉट और 3 मंथ स्वैप पॉइंट निकालने हैं। तो आपको पता ही है डिफरेंस होता है वो स्वैप पॉइंट, और तो कुछ होता नहीं है। तो बिड रेट और आस रेट, ठीक है जी। तो बिड बिड का डिफरेंस, आस आस का डिफरेंस, बिड और आस का डिफरेंस स्प्रेड कहलाता है, ठीक है जी। ओके, तो मुझे स्वैप पॉइंट्स फाइंड आउट करने थे। स्वैप पॉइंट्स फाइंड आउट कर देंगे भैया कि स्वैप पॉइंट्स क्या कहता है, ठीक है जी। तो मुझे चाहिए CHF GBP। अब ये CHF USD है और ये USD GBP है, लेकिन मुझे चाहिए CHF पर GBP। कैलकुलेट करते हैं, तो पर्टिकुलर्स CHF पर GBP, बिड रेट, आस्क रेट, स्पॉट 3 मंथ्स। तो ये 4 वैल्यूज अगर मेरे पास आ जाएं तो मैं स्वैप पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकता हूं। कर देते हैं भैया, बिल्कुल कर देते हैं। तो CHF पर GBP आस्क रेट, लेकिन ये एक बैंक ए से निकाल रखा है, एक बैंक बी से, तो इसे तो मिटा देते हैं। चलो जी आ जाओ भैया। तो आपको चाहिए CHF पर GBP, बिड रेट, आस्क रेट, कंसीडरिंग बैंक ए ओनली, ठीक है। तो बिड, तो CHF पर GBP बिड रेट, तो बिड CHF पर USD, बिड USD पर GBP, आस्क रेट, तो आस्क CHF पर USD, आस्क USD पर GBP, सिंपल। तो स्पॉट मार्केट और 3 मंथ्स, ओके। तो बिड CHF पर USD, तो CHF पर USD बिड 1.4650, बिड USD पर GBP, तो USD पर GBP 1.7645, तो 1.465 into 1.7645, now that's 2.5850, 2.5850, 3 months, तो 3 months, bid rate, CHF पर USD bid rate 3 months, तो ये I कैसे थी वो आपको समझ में आ गया था, swap point use करे थे हमने, तो 1.4655,
इनटू में 1.7620, तो 1.4655 इनटू 1.7620 दैट्स 2.5822. नाउ आस्क रेट, तो आस्क रेट CHF पर USD दैट इज स्पॉट का 1.4655 स्पॉट का आस्क रेट 1.7660, तो 1.4655 इंटू 1.766 2.5881, तो 2.5881. नाउ 3 मंथ्स का आस्क रेट, तो 1.4665 इंटू में 1.7640 1.4665 इंटू 1.764 2.5869. ओके, तो डिफरेंस कर देंगे तो घट रहा है ये 0.0028, 0.00, तो दैट्स स्वैप पॉइंट्स. तो स्वैप पॉइंट्स आ गए, तो स्वैप पॉइंट्स होता है बिड बिड का डिफरेंस, आस्क आस्क का डिफरेंस, और अगर बिड और आस्क का डिफरेंस देखूंगा तो स्प्रेड के लाएंगे, सिंपल. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा सा एक बार और देखेंगे और फिर मिलते हैं. तो जरा ध्यान रखना, तो हम एक चीज इस पर बड़ा फोकस करेंगे कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये रेट्स उल्टी उल्टी हो सकती है, ठीक है जी. तो वो डॉलर और पाउंड का हमको जनरली गिवन होता है, उसके हिसाब से हम सोच लेते हैं. ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन.